नमस्कार, स्वागत है आपका वेज कुकिंग विद अनु में। आज मैं बनाने वाली हूँ जौ दलिया। जौ एक बहुत ही फायदेमंद अनाज है। जौ में विटामिन्स, कई सारे मिनरल्स, फाइबर और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो आप चाहें तो इसे अपने रोज के आहार में भी शामिल कर सकते हैं। नहीं रोज तो कम से कम वीक में एक दो बार तो आपको जरूर बना के खाना चाहिए, जो कि कोई भी चीज। तो जौ दलिया बनाने के लिए ये मैंने लिया है आधा कप जौ का। ये दलिया है, ये आपको अपने नजदीकी किराना स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जौ दलिया को ड्राई रोस्ट करेंगे। कोई भी चीज नहीं डालेंगे, घी या तेल, बस हम ऐसे ही इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि ये इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे। फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करेंगे। जो पहले के लोग होते थे उनके डेली के आहार में जौ शामिल होता था, तभी वो लोग काफी स्ट्रांग होते थे आज के लोगों के मुकाबले। तो ये भुन चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो दलिया हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर में दलिया जो है और जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, गरम हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे आधे चम्मच जीरा, एक हरी मिर्च, एक मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। प्याज ऑप्शनल है, प्याज आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये आधा इंच घिस के मैंने लिया है अदरक। 1 मिनट तक हम इसे भून लेते हैं, उसके बाद बाकी की जो सब्जियां हैं उसे इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये हरे मटर, आधा कप के करीब ये मटर है। गोभी, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1/4 कप शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज गाजर, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। सभी सब्जियों को हम एक साथ ही थोड़ी देर तक भुनेंगे। आप इसमें और दूसरी सब्जियां जो आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं, या इसमें से जो आपको नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सब्जियों में कोई फिक्स नहीं है, आप अपने मन मुताबिक सब्जी घटा बढ़ा सकते हैं। सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि टमाटर को हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, इसलिए टमाटर को बाद में डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, 3/4 चम्मच नमक। और अब हम इसमें डाल देंगे ये पहले से रोस्ट किया हुआ दलिया। आधा से 1 मिनट तक हम वेजिटेबल के साथ दलिया को भी भून लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बाकी हमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालने हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने दलिया आधा कप लिया था तो पानी हम 1.5 कप डालेंगे, यानी कि आप जिस भी बर्तन से दलिया नाप के लें पानी उसी बर्तन से आप 3 गुना डालें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा पानी, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम लगा देंगे इसका ढक्कन और मीडियम फ्लेम पे हम इसमें 2 सीटी लगाएंगे। तो 2 सीटी हम लगने देते हैं इसमें। तो 2 सीटी लग गई है और अब हम इसका प्रेशर निकलने का वेट करते हैं। तो प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकल गया है और अब हम ढक्कन खोल के चेक करते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया दलिया बन के तैयार हुआ है। और अभी हम थोड़ी सी इसकी भाप जो है और निकल जाने देते हैं, फिर हम इसको निकालेंगे प्लेट में। तो अभी गर्म ही है ये, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ती, मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट दलिया बना है और ऊपर से हेल्दी भी है, हेल्दी तरीके से बनाया भी गया है।
तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर आल का बटन दबा लें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।